हेलो एवरीवन। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर के द्वारा एक ब्रेथ टेकिंग स्टेटमेंट दी गई है, जब रिसेंटली प्रेस ने उनसे पूछा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कनाडा आने वाले दिनों में कैपिंग प्लान कर रहा है या नहीं, क्योंकि कैपिंग की न्यूज़ पहले भी आई थी, अब फिर एक दो दिन से या लास्ट एक दिन से सुर्खियों में है। क्या है वो पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। किन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा जो कनाडा में है या इंडिया से नहीं जाने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए या अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिसेंटली एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा में है कि कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट को लिमिटेड कर सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपना इमिग्रेशन कोटा है उसमें कटौती की है और नियर अबाउट 5 लाख से 2.5 लाख कर दिया है। तो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर से जब ये चीज़ पूछी गई तो उन्होंने बताया कि दैट कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस की बड़ी प्रॉब्लम है, बट उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ भी कही कि ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है, बट अदर फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर कनेडियन गवर्नमेंट के दो फेस हमारे सामने आते हैं। पहला फेस तो ये है जो कह रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और आने वाले दिनों में हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बड़े नंबर्स में ज़रूरत है, तभी कनाडा की लेबर शॉर्टेज की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो पाएगी। दूसरी ओर कनाडा ये चीज़ कह रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कारण जो बड़े नंबर्स में हाउसिंग क्राइसिस आया है, ठीक है, तो कुछ हद तक उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अगर स्टूडेंट के नंबर को लिमिटेड कर दिया जाए। तो ये गवर्नमेंट की जो दोहरी चाल है, आई डोंट थिंक सो कि आने वाले दिनों में कनाडा ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो नेटिव है उनको भी खुश करना है, वो ये भी नहीं चाहते कि रेवेन्यू वगैरह है जो, ठीक है, वो भी कम हो। बट फिलहाल ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्लियर कब होगा ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में हैं, ठीक है, ये अपडेट उनके लिए नहीं है, ये अपडेट उनके लिए जिन्होंने नया अप्लाई करना है, नई एप्लीकेशन अगर आपने सबमिट करनी है उनके बारे में कनाडा ये चीज़ प्लान कर सकता है, फर्स्ट क्वार्टर में कर सकता है इस साल के या सेकंड क्वार्टर में कर सकता है, क्योंकि आगे इलेक्शन है तो 100 तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ने जब पावर में आना होता है जो लोकल नेटिव्स होते हैं उनके लिए स्टेप्स उठाते हैं। अब कनाडा ने जो रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि जिन लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है, उनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा, एक ओर तो कनाडा ये चीज़ बोल रहा है, दूसरी ओर वो बोल रहा है कि इमिग्रेशन हमारी मेन नीड है, मेन रिक्वायरमेंट है, जिसके विदाउट कनाडा जो का जो सर्वाइवल है इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इस साल का जो टारगेट है इमिग्रेशन का, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट करने जो लोग उन्होंने, तो 4,85,000 के करीब है। तो ऐसे में जो ऑलरेडी विद इन कनाडा स्टूडेंट है, कनाडा को ये चीज़ चाहिए कि उनके बारे में डेफिनेटली सोचें। जैसे 90,000 का एक प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया था, उनकी एप्लीकेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जो ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ पे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, जो जिनके वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले, तो ये मेजर्स ज़रूरी हैं एज कम्पेयर टू जो नए स्टूडेंट्स की आप कैपिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो ये फ़िलहाल जस्ट एक स्टेटमेंट है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये अगर होगी भी अनाउंसमेंट तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो ऑलरेडी नए अप्लाई करना चाहते हैं जो विद इन कैनेडा है, उनके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।